आज का केक बन रहा है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। हाँ हाँ बिल्कुल फ्री। मैं ये देने वाली हूँ केक जिसके 1 रुपए भी नहीं लूंगी, मतलब 1 रुपए, मतलब 1 रुपए नहीं। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कि ये स्पॉन्ज बिल्कुल ऑयली नहीं है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू और आज आप आए हैं गोकुल किचन में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं रबड़ी फ्रूट केक। मैं भी पहली बारी बना रही हूँ और आप लोग के साथ ही डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ। और ये बिल्कुल फ्री है, ये मैं जिसको भी दे रही हूँ ये बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लिए मैंने इसके, क्योंकि बाद में फिर से ढेर सारे कमेंट आने वाले हैं कि झूठ बोल रही है ये वो और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सच में फ्री वाली वाले बताऊंगी कि क्यों फ्री में दे रही हूँ वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये रबड़ी और रसमलाई ये दोनों मिक्स है। ठीक है, ये रबड़ी, ये रसमलाई और ये पूरी रबड़ी, गाढ़ी गाढ़ी वाली जो रबड़ी बनती है ना, ये वो वाली इतनी यम्मी लगेगी ना, ऐसा लग रहा मैं दूं कि खा जाऊं। मैं ये बंद कर देती हूँ ताकि थोड़ा आवाज बाहर वाली कम आए और अपनी वाली ज्यादा आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्रीम में ना कुछ भी नहीं डाला है, नॉर्मल अपनी व्हिपिंग क्रीम वनीला वाली ही ली है। ठीक, तो पहले मैं इसके नीचे लगा देती हूँ पेपर, क्योंकि ये बहुत खिसकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लेंगे एक लेयर, तो एक मैंने थोड़ा हाफ के जी से ज्यादा ही बनाया, 1 केजी से थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, बट ये हाइट में बनाऊंगी। तो बेस रख लिया है, अब जो सोकिंग है वो तो आपको पता है कि कैसे होने वाली है। सोकिंग होने वाली है पूरी है रबड़ी से। ठीक है, हाँ, अब सोचिए कि कितना ज्यादा ये टेस्टी लगेगा। यम्मी लगने वाला है, यम्मी। तो आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं ये बताइए। और क्या बोलूँ, जब तक सोक करी तब तक आप लोग कुछ बोलिए, नहीं तो आप लोग कैसे बोलेंगे। और अभी क्लासेस अपनी स्टार्ट हो गई है लखनऊ में, गोरखपुर में, और मुंबई में तो है ही है। और जो आसपास है जिनको ऑर्डर करना है केक, तो मैं नंबर दे दूंगी, आप वहां से कॉल करके और ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अभी मैं छोटे छोटे केक मैंने भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं बहुत ही कम रेंज में, पैसे अभी नहीं बताऊंगी नहीं तो फिर फोन की लाइन लग जाएगी। कम रेंज मतलब बहुत मिनिमम। ठीक है, तो जिनको भी केक के ऑर्डर्स कर देने हो वो कॉल कर लीजिए। तो ये देखिए क्रीम रख दिया, अच्छे से मैंने इसको फैला लिया। ठीक है, अब साइड में भी अच्छे से क्लीन करेंगे, बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे, साइड में जो एक्स्ट्रा हो गया उस पर निकाल लेंगे, दूसरी लेयर में लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई। और अब मैं डालूंगी फ्रूट, तो ढेर इसमें मैंगो भी है, एप्पल भी है, और क्या क्या है भैया, बहुत सारा चीज है। इसमें मैंगो है, एप्पल है, तो इसमें मैंगो है और एप्पल है। ठीक है, तो मैं भर भर के मैंगो और एप्पल को डाल दूंगी, एकदम खाए ना तो फिर कहना चाहिए कि हाँ मजा आ गया भाई खा के। और इतना डिलीशियस केक फ्री फ्री, कि माना इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं तो अपनी ही दुनिया बसाऊंगी की जिंदगी। कल जो वीडियो अपलोड की थी ना, तो सब लोग ये कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये जूते चप्पल कौन बनवाता है, ये वो, पता नहीं कितने सारे सवाल हो जाते हैं भाई, समझ में नहीं आता कि लोगों को अच्छा लगता है या लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अभी तो ट्रेंडिंग है ना, सारी चीजें केक में यूज हो रही हैं, सब सब पता नहीं क्या क्या यूज हो रहा है। तो कौन सा हम लोग असली के जूते चप्पल लगा रहे हैं भाई, वो केक है और सारे चीजें चॉकलेट का ही बना हुआ है। तो जिंदगी मेरी सफाई, तो ये भर के लबा लब हमने डाल दिया इस पर रसमलाई। अब हम लोग इस पे डालने वाले हैं दूसरी केक की लेयर। ये आ गई हमारी दूसरी केक की लेयर, एकदम एक बार कट करे ना धमाका हो जाए, धमाका भैया धमाका। तो फटाफट अच्छा दूसरी वाली लेयर भी हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट, अच्छे से सोक करेंगे। आपको चाहिए तो दूध चीनी जिससे आपका मन करे, अगर नहीं है रबड़ी नहीं बनाई है आपने और फिर भी आपको एक एक बनानी है, तो फटाफट से मिल्क पाउडर लीजिए, दूध लीजिए, मिल्क पाउडर को दूध में डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट डालना है तो वो डाल दीजिए,
फिर तो भैया क्या ही कहना, टेस्ट फिर भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है। ठीक, तो ये हमने डाल दिया व्हिपिंग क्रीम, अब फिर से हम इसको कर देंगे फैला, कर देंगे नहीं, कर दिया फैला दिया। ठीक है, फिर से लगा दिया क्रीम। ये बैठ के भी बनाते हैं ना तो बड़ा अच्छा रहता है, मतलब बड़ा आराम रहता है, एकदम रिलैक्स रहते हैं। हाँ, अब दिख रहे हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहे थे। ठीक है, अब वापस हम डाल देंगे फ्रूट। ये फ्रूट कट करके हम रख दिए थे फ्रिज में। ठीक है, एकदम गजब का ये केक होने वाला है। ये फ्रूट किया कट किया हमारी दिशा ने। ठीक है, तो ये हो गया, ये देखिए ये भी हमने रख दिया। अब इसके ऊपर फिर से हम रख देंगे ढेर सारा रबड़ी। रबड़ी रबड़ी कहाँ गया भाई रबड़ी? हाँ ये रहा। तो किसको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज जरूर बता दिया गया यार, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करने में क्या जाता है, आपका एक लाइक हमारा इतना हौसला बढ़ा देता है ना कि पूरा दिन खुश रहते हैं एकदम से। मजा आता है, वीडियो देख लेते हैं आप लोग रहते हैं, मजा आ जाता है कि अरे वाह आज जो मैंने बनाया वो सफल हो गया, ऐसा लगता है। अब वीडियो नहीं देखे ना आप लोग तो ऐसे सिर पकड़ के, अरे सॉरी, ऐसे सिर पकड़ के पूरा टाइम बैठे रहते कि हे भगवान आज किसी ने वीडियो नहीं देखी, हे भगवान आज किसी ने वीडियो नहीं देखी, पूरा दिन हम लोग ऐसे टेंशन में ही बिता देते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर थी, इसके लिए हमने और इसको इसलिए इधर से किया, अगर इधर से करते ना तो इतनी जगह बची थी सोकिंग वाली, और हम इधर से करेंगे ना तो ये पूरी अच्छे से सोख हो जाएगी, फिर हम यहाँ पर क्रीम फिल कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्रीम कर लीजिए फिल फिल की जिंदगी मेरी। और ये जिनके लिए जा रहा ना केक, पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी बताऊंगी। पहले केक पहले पूरा देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगी तो फिर सब लोग कहेंगे ऐसे ऐसे, फिर हजार बातें वापस आएंगी। तो पहले, और कल सैंडल वाले में भी मैंने यही बोला था कि भाई खाएं या ना खाएं, सीखना तो चाहिए ही सभी को, अगर जो होम बेकर हैं उनको सीखना तो चाहिए ही। आजकल इतना ट्रेंडिंग में है यार हर चीज, और जो चीज हमें सीखने को मिले वो सीख ही लेना चाहिए, कब क्या पता कब काम आ जाए, है ना। तो जिंदगी मेरी, कौन कौन से शहर में आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास लेने आऊं, मुझे एक बार और कमेंट कर दीजिए ये वाले टॉपिक पे, क्योंकि भाई जब से मैंने अभी लखनऊ वाली क्लास स्टार्ट की और गोरखपुर वाली क्लास स्टार्ट की है ना, तब से कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि दीदी हमारे यहाँ कब क्लासेस लेंगे, हमारे वाले शहर में कब क्लासेस लेंगे। तो सुन के तो ऐसे दिल खुश हो जा रहा है ना कि क्या बताओ, कि मतलब लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ भी आइए क्लास। और तो छोड़िए, सबसे अच्छी बात ये लग रही है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि आपको रुकने का खाने पीने का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं, हमारे यहाँ क्लास ले सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लग रही है कि आप लोग कितना प्यार कर रहे हो यार, कितना सपोर्ट कर रहे हो, मतलब थैंक यू सो मच कि इतना पसंद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो ऐसा लग रहा है ना कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके घर एक एक दिन जाके और रुक रुक के आओ। तो कैसा रहा आइडिया जरूर बताइए, आऊं कि नहीं आऊं ये बताइए। तो ये हमने रख दी दूसरी वाली, अरे रबड़ी तो रखा ही नहीं भाई, सॉरी सॉरी रबड़ी भूल गई मैं। कि माना इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी, कि जिंदगी मेरी सुख्वाइश। और ये जो रसमलाई है ना, ये रसमलाई है अमूल की, जो बाजार वाले से बिल्कुल है अलग टेस्ट रहता है इसका, बिल्कुल अमृत वाला, इसलिए इसको मैं अमृत वाला रसमलाई कहती हूँ। अब जाएगा ये दूसरा वाला लेयर, मैं सोच रही पहले थोड़ा सा ना इधर भी सोक कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। और ये वाला बात ध्यान में रखिए, जिनको जो कल्याण में है आसपास से जिनको ऑर्डर करना है ना, तो मैं बहुत ही रीजनेबल मतलब बहुत ही कम, जो अभी छोटे छोटे जो बहुत छोटे नहीं, तो
तो अभी मैंने छोटे छोटे केक बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे हैं, ठीक है। इधर से अच्छे से सोक कर दिया है एकदम अच्छे से, ठीक है। अब फिर से वापस पीछे से भी सोक करूंगी, तो थोड़ी सी केक की हाइट भी बढ़ गई है, अच्छी लग रही है अब, ठीक है। अब अच्छे से ऊपर वाले एरिया, जो ऊपर वाला लेयर है, इसको कर दूंगी मैं सोक। ये देख, इधर मैं बना रही हूँ और पानी ऐसे मुंह में ऐसे, ये गर्दन के पास, तो घुट घुट नहीं करते क्या, जब जब कोई अच्छी खाने वाली चीज सामने दिखती है और मुंह से पानी निकलता है, तो जब मैं पानी घोटते हैं जब ऐसा वाला, तो ऐसा ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रहा, ऐसा वाला वो हो रहा है मेरे साथ। तो जिनको भी आसपास जो देख रहे हैं उनको भी ऐसा यम्मी वाला केक चाहिए, तो फटाफट से 9029483719 पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कर लीजिए, ये नहीं कह सकते कि सीट बुक कर लीजिए, ठीक है। ये आ गई हमारी क्रीम, और अब क्रीम से कर देंगे थोड़ी थोड़ी सी पहले क्रम कोटिंग, ठीक है। पहले क्रम कोट करेंगे, और ये केक अभी मैं ले भी जाऊंगी देने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि लेके जा रही हूँ, साथ में आप लोग को मिलवाऊं भी, दिखाऊं भी उनसे जिनके लिए केक ले जा रहे हैं। कि माना इस दुनिया की हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बसाऊंगी, कि जिंदगी मेरी सफाई से। हो गया, इधर का क्रोम कोट कर दिया। अब मैं यहाँ ऊपर की भी क्रम कोट कर लूंगी, पहले थोड़ा सा क्रीम लगा के, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रखूंगी, ठीक है। उसके बाद आगे वाली आइसिंग इसकी कंप्लीट करूंगी। अपनी ही दुनिया बसाऊंगी, क्यों आना इसे दुनिया की हो ही की जिंदगी मेरी सफाई से। तो अच्छे से इसको कर दीजिए क्लीन एकदम अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इसको हम रखेंगे फ्रिज में। अभी थोड़ा सा क्रम कोट करेंगे, जो बाहर की जो लग जाता है ना क्रीम, उसको अच्छे से एकदम मतलब फिल कर देना है अपने केक के साइड में, ताकि एकदम बढ़िया से फिल हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से क्लीन कर दिया एकदम बढ़िया से, जब क्लीन हो जाएगी तो फिर से वापस से, और क्रीम यहाँ पर थोड़ी सी हो गई थी लूज, एकदम सच्ची वाली बता रही हूँ, झूठी वाली हो जाता है कभी कभी भाई, अगर लाइट नहीं रहती हमारे घर तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि जब हम इन्वर्टर से बीट करते हैं ना, तो अपने जो मोट अपने जो बीटर होता है ना, उसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, जब लाइट रहता है तो थोड़ा और अच्छे से चलता है, और जब लाइट नहीं रहता है ना तो भैया वो थोड़ा सा स्पीड स्लो करता है, तो क्रीम बीट होता है तो वो भी थोड़ी सी लूज़ ही बनती है, इतनी परफेक्ट नहीं है, अभी भी है परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नहीं है, मैं थोड़ी सी और स्टिफ होती तो और भी मज़ा आ जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग इसमें भी काम कर लेंगे, मैं तो इससे भी ज़्यादा लूज़ क्रीम रहे उसमें भी काम कर लेती हूँ, बस आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिले, ठीक है। तो अच्छे से ये ऊपर अभी लग रहा था कि क्रीम कम है, तो मैंने थोड़ी सी क्रीम और लगा दी, क्योंकि जब तक ऊपर नीचे क्रीम बराबर नहीं होती है ना, तो वो क्लीन अच्छे से नहीं होता है, वो उतना शार्प एजेस नहीं आता है, और क्रीम तो भैया थोड़ी सी लूज है ही, बट फिर भी हम लोग काम चला रहे हैं। ये देखिए अच्छा, इसको रखूँगी मैं जब फ्रिज में सेट होने के लिए, तो आधा एक घंटा रखूँगी सेट होने के लिए, एकदम प्रॉपर हो जाएगा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। तो जब ये अच्छे से क्लीन हो जाए, इसकी डिज़ाइन भी मैं बहुत ही खूबसूरत बनाने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत। तो ये अब पूरा वाइट मैंने इसलिए चूज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर जो कलर यूज़ करेंगे ना, वो कलर मुझे एकदम खिल के दिखना चाहिए, इसके लिए मैंने कलर पूरा केक का वाइट रखा है। और ये मतलब कोई डिमांड नहीं है कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो भी बता देती हूँ कि क्यों डिमांड नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से ऊपर मैंने सिलिकॉन ब्रश से कर लिया ब्रश, और फिर वापस से नीचे भी मैं सिलिकॉन ब्रश से ही, मैं दूसरा ब्रश इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्रीम लग गया था, और नीचे करने के बाद वो फिनिशिंग नहीं दिख रही थी, इसके लिए फिर N1 वाला नोज़ल ले लिया। अब जिस भी कलर की आपको क्रीम लेनी है, उस कलर की आप क्रीम ले लीजिए, और ऐसे बना लेनी है रोज़। अब यहाँ पर तो आधे लोग समझ गए होंगे कि मैं डिज़ाइन कौन सा बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसको मैंने छोटी कम हाइट वाले केक पर भी एक बार बना के दिखाया था, जब मुझे एक केक शॉप में देना था केक तब, और ये डिज़ाइन उनको बहुत अच्छी भी लगी थी, उन्होंने दोबारा तिबारा भी ऑर्डर करके सेम वही वही डिज़ाइन बनवाई थी, क्योंकि उनकी जब शॉप में वो डिज़ाइन वहाँ रह रही थी तो बहुत सेल हो रही थी इसके लिए। अब उनकी लड़की ने सीख लिया है, तो अभी वो लड़की मतलब उनकी बनाती है, जिन्हों मतलब जो लेते थे पहले केक शॉप वाली वो।
फिर मैंने 6B नंबर का नोज़ल लिया और उससे मैंने ऑरेंज कलर के ऐसे छोटे छोटे से मोदक स्टार जैसे बनता है ना वो बना लिया है। अब मैं ली हूँ पाइपिंग बैग और इसको मैं बनाऊँगी लीफ वाला नोज़ल। तो ऐसे आप कट कर लीजिए वी शेप में, ठीक है। अब वी शेप में कट हो जाए तो फिर अपने उसी क्रीम में मैंने हल्का सा ग्रीन कलर ऐड करके फिर ये वाला शेड वाला ग्रीन अपना लीफ बना लिया। और फिर एक और कलर का लीफ बनाऊँगी ताकि वो देखने में ना और एकदम मतलब एकदम एकदम दिखना चाहिए, एकदम गजब का दिखना चाहिए। तो इसके लिए तो ये देखिए अब ये पॉइंट कैसे आ रहा है, नीचे वाले में पॉइंट नहीं आया क्यों और ऊपर वाले में पॉइंट क्यों आ रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बता ही देती हूँ। तो ये है कि आपकी क्रीम जितनी स्टिप मतलब एकदम लूज रहेगी उतनी आपकी लीफ अच्छी बनेगी। जितनी पिघली हुई क्रीम का यूज़ करेंगे लीफ उतनी ज़बरदस्त बनेगी। अब पॉइंट आएगा, देख रहे हैं ना कैसे पॉइंट आ रही है। सेम नोज़ल से मैं सेम वही पाइपिंग बैग से नीचे वाले को बनाया क्योंकि क्रीम स्टिफ थी तो वैसी प्रॉपर नहीं आई, और फिर यहाँ पर क्रीम लूज़ हुई तो पूरी प्रॉपर आ रही। तो हाथ से अच्छे से पिघला लीजिए क्रीम को। अब फिर ये स्वीट हार्ट का लगा देती हूँ मैं अपना टॉपर, और ये टॉपर अकेले का टॉपर ये सिर्फ 250 रुपये का मिलता है, पूरा एक्रेलिक है, बहुत महंगे टॉपर है बट आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब बार बार दे देते कस्टमर को, थोड़ी उन्हें वापस करने वाला, बट आप उसके पैसे ले सकते हैं। तो मैं तो अगर उनको चाहिए, वैसे होता नहीं है नॉर्मली, बहुत जब से मैं लेके आई हूँ 3-4 बार मैं और कस्टमर को पूछ चुकी हूँ कोई नहीं लेता। मैं तो वीडियो बनाने के लिए फिर वो रख देती हूँ फिर निकाल लेती हूँ। पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ढेर सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब बताई देती हूँ कि फ्री में दे दी हूँ कि ये मैंने केक फ्री में क्यों बनाया। तो ये केक मैंने फ्री में इसलिए बनाया क्योंकि ये मैंने खुद के घर के लिए बनाई और खुद के घर के लिए बनाने के लिए थोड़ी कोई पैसे लेता है। हाँ सामान जरूर बाहर से खरीद के लाते हैं पर आज मैंने पहली बार घर के लिए केक बना और इतना सुंदर बना रहे। तो अपने घर के लिए कभी भी मैं केक अच्छा बनाती नहीं, पता नहीं मन ही नहीं करता है, नहीं ना रे बाबा ना, ऐसा हो जाता है कि काश मेरे लिए कोई केक बना के दे दे ऐसा लगता है। लेकिन आज पहली बार मुझे खुद अपनी केक अच्छी लग रही है। तो और आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी वीडियो मतलब ये केक तो लाइक, और ज़्यादा पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब, और ज़्यादा पसंद आई होगी तो शेयर, प्लीज़ शेयर कर देना यार, ठीक है। तो चलिए बोलते हैं केक कटिंग के लिए कि कहाँ पर मैं ले जा रही हूँ, मतलब मैं ये केक कहाँ कट कर रही हूँ और घर में किसके साथ कट कर रही हूँ, मतलब सरप्राइज है ये भी। तो चलिए चलते हैं मेरे दूसरा वाला जो चैनल है गोपी कोटिया, जहाँ पर मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ, वहाँ पर दिखाऊंगी कि केक मैं कहाँ कट रही हूँ, उसकी लेयर कैसी निकल रही है वो सब कुछ दिखाऊंगी वहाँ पे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसमें भी इस वाले वीडियो में भी लास्ट में ऐड कर दूंगी। बाय, थैंक यू सो मच, बाय। तो केक लेके मैं निकल चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना था, और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के पापा आए हुए हैं उनसे मिलने जा रही हूँ, और अभी मेरे मम्मी पापा तो बहुत दूर है। तो मतलब ऐसा लगता है ना अभी, मतलब हम लोग इतने समझदार हो गए, इतने मैच्योर हो गए ना कि मतलब अभी मतलब दुनिया का हर माँ बाप में अपने मम्मी पापा दिखते हैं। तो मुझे मैं उनसे जब पहली बार मिली ना, मतलब कल मैं एक दिन पहले संडे को मैं उनसे मिल के आई थी और मंडे को मैं केक लेके जा रही हूँ उनके लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अभी जा रही हूँ उनसे मिलूँगी, बातचीत करूँगी, केक कट करूँगी। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।